नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत शुक्रवार से हुई। कस्बे के कमला फार्म हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद व लोकसभा प्रभारी हरेंद्र मलिक और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चरथावल विधायक पंकज मलिक सहित सभी नेतागण मौजूद रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा में समाजवादी सदस्यता अभियान कैंप का उद्घाटन पूर्व सभा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने किया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि सभा जिलाध्यक्ष अभियान कैंप के जनपद मुजफ्फरनगर प्रभारी व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक रहे। सदस्यता अभियान में सैकड़ों की तादाद में सदस्यता लेने आए लोगों को संबोधित करते हुए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि सपा जमीनी स्तर पर अभियान को चलाते हुए हजारों की तादाद में जनपद में सपा के सक्रिय सदस्य बनाएगी और प्राथमिक व सक्रिय सदस्य की बदौलत निरंकुश भाजपा सरकार का मजबूत विपक्ष के रूप में सामना करेगी। सपा के सदस्यता अभियान जनपद प्रभारी व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नए सदस्यता लेने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसान मजदूर व नौजवान पूरी तरह दुखी है और युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। मोदी योगी सरकार में बढ़ती महंगाई ने लोगों को जीना दूभर कर दिया है। के फलस्वरूप ही आज चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचने का मौका मुझे मिला। मैं आप लोगों से हमेशा मिलता रहा हूं और आपसे मिलकर के चलूंगा। क्षेत्र की सेवा करने का काम करूंगा, समर्पण की भावना से काम करूंगा। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी दी है कि हम लोग जनपद मुजफ्फरनगर में ज्यादा से ज्यादा सदस्यता करने का काम करें और ये सत्यता है। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो समाजवाद को अपनाना होगा, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके चलने का काम करना होगा। समाजवादी पार्टी की सोच हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके सत्ता हासिल करने की नहीं है, सबको साथ लेकर हर जाति हर धर्म हर वर्ग का विकास करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना, ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की है। समाजवादी पार्टी ने वायदा किया था कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, नौजवान को उसका अधिकार दिलाने का काम करेंगे, हर महिला के सम्मान को काम करने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन जनता ने जो निर्देश दिया, जनता ने जो जनादेश दिया, उसके फलस्वरूप आज हम सत्ता में नहीं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आज अपने जनपद में सब एकजुट होकर के काम करें, संघर्ष करें और सबको साथ लेकर के चल करके इस क्षेत्र का, इस जनपद के सभी नागरिकों का, यहाँ के रहने वाले लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने का काम करें और इंसाफ दिलाने का काम करें। हमारे बहुत ही सम्मानित छोटे भाई और तीसरी बार विधायक बने आदरणीय पंकज मलिक जी, आप लोगों से इस क्षेत्र की जनता से कितने जुड़े हुए हैं, कितने दिल से वो सभी का इस्तकबाल करने का काम करें, सभी का आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, समाजवादी पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, इस क्षेत्र की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। एक व्यक्ति जिसको विधायक जो विधायक बन जाता है अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे में आज तक वो बात नहीं है जिनके पिता चार पांच बार विधायक रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में यह है कि आप लोगों की सेवा, यह सच्चा समाजवाद है, ये संघर्षशील नेता की निशानी है। मैं तो यही बात कहूंगा कि हमारे छोटे भाई ने जो बीड़ा उठाया है अपने क्षेत्र में, मेरे से पहले बहुत लोगों ने कहा कि सदस्यता अभियान की जहां तक बात है, हमारे छोटे भाई की शान में और बढ़ोतरी होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से आप लोगों ने उनको प्यार दिया, उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया, उन्हें जिताने का काम किया, उसी प्रकार से इस क्षेत्र से ज्यादा सदस्य आप लोग बन करके बना करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के यहाँ उनकी शान बढ़ेगी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव सामने है, 2024 के चुनाव में अगर आप मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट की बात करें तो मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं, चरथावल, बुढ़ाना, खतौली, सरधना और मुजफ्फरनगर। अगर इन पांचों विधानसभा की आप वोट जोड़ने का काम करोगे
तो हम बड़े आराम से 15-20 हजार वोटों से चुनाव जीतने का काम करें। आप लोगों को मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं है असलम भाई, आप जितने मेरे साथी यहां बैठे हैं। आज इस देश में जो अभी माहौल है 29 से 29 प्रदेशों में, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। यही भारतीय जनता पार्टी जो किसान मजदूर कर्मचारी अधिकारी जिनकी बात किया करते थे कि सबको सम्मान देने का काम करेंगे, चाहे वो व्यापारी हो किसान हो मजदूर, आज वो सब दुखी है। सबसे पहले तो इस देश का जो इस देश को चलाने का काम करता है, जो इस देश की कर्मचारी जो उसकी रीढ़ है, सबसे ज्यादा परेशान तो वो है इन लोगों से। और आपने देखा भी होगा कि प्रत्येक विधानसभा में वो बुरी तरह से मास्क लगा के आए हैं, जितने भी कर्मचारियों के खिलाफ काम किया करने का काम किया, चाहे वो अंग्रेज की हो पीडीएस की हो, सब लोगों की समस्याओं हल होंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर एक आदमी को खुराक ही नहीं मिल रही, उसको खाने को नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, वो मजबूत नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि उस आदमी को अच्छी खुराक दी जाए। समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए विधानसभा चंपावल की सभी कार्यकर्ताओं के नेताओं की मीटिंग आदरणीय हरेंद्र मलिक जी जो सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में, और आदरणीय नौशाद जी पुरीना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सभी ने आश्वस्त किया है कि हम लोगों के बीच में जाकर के सदस्यता अभियान को गति देने का काम करेंगे और चट्टा विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य मतलब ग्रहण लोगों को कराने का काम करेंगे।